हेलो एंड वेलकम वन एंड ऑल, मैं हूं मान और आप देख रहे हैं एनबीसीएन न्यूज चैनल। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हर काम किया हुआ है। मतलब ये एक बहुत अच्छे सिंगर है, ये बहुत अच्छे मॉडल है, ये एक फिटनेस फ्रीक में भी बहुत ज्यादा, मतलब फिटनेस में आपका इतना ध्यान है। मेरे साथ है विराज। क्या हाल चाल, पहले बताइए। बहुत बढ़िया मान भाई, आप बताओ कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरे को चैनल वाले बराबर सैलरी दे रही है आजकल। टाइम पे बहुत सारा पैसा आ जा रहा है, बहुत सारा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, तो एडजस्टमेंट चल रहा है। हम शुरुआत करेंगे आपकी सिंगिंग से, और मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना कोई एक गाने से ही शुरू किया जाए इस शो को। बाहर बन के आओ कहीं तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं इसी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ मेरे हो, आज बस इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। मतलब लिटरली जितने भी ऑडियंस अभी फिलहाल देख रहे होंगे, जितने व्यूअर्स होंगे हमारे, सब डेफिनेटली टीवी के पीछे तालियां बजा रहे होंगे। मैं तो सोचा था कि और गाना चलते रहे, खत्म ही ना हो, बड़ा मजा आ रहा है, एक शो ही बन जाएगा ऐसे। विराज भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि सिंगिंग जब आपने चुना तो क्या क्या फेस किया, कैसे आपने सिंगिंग अपने प्रोफेशन को चुना, क्योंकि आपने इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस किए और हमने भी एक साथ काम किया हुआ है, तो मैं जानना, इतनी सारी एनर्जी रहती है आपके अंदर स्टेज के वक्त, तो वो सब कुछ कैसे करते हो आप? बेसिकली मैंने चालू किया था जब मैं 7 ईयर्स का था। तब तो पेरेंट्स ने बोल दिया था कि यू हैव टू गो टू अ म्यूज़िक क्लास, तो हम वहाँ चले जाते थे एंड एक्सट्रैक्ट नहीं होता था। काफ़ी टाइम लगा, 2-3 साल लगे खुद को समझने, खुद की वॉइस समझने के लिए, और खुद को कैसे गाना गाना है मुझे, ये प्रेजेंट करना है, ये समझने के लिए। और एक बार ये पैशन बन गया, व्हेन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग, जब मुझे लोगों का अटेंशन मिला, उन्हें क्या पसंद है, और मैं जाके खुद को एक्सप्रेस कर पाऊँ, जो मैं रियल आइडेंटिटी हूँ, मैं मेरे सॉन्ग्स के थ्रू परफॉर्म कर पाऊँ, दैट बूस्टेड मी। मतलब 7 साल की उम्र में आप अपनी म्यूजिक क्लासेस ले रहे थे, म्यूजिक क्लासेस या जा रहे थे एग्जैक्टली और मैं 7 साल की उम्र में चौक खाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बड़ा टेस्टी लग रहा था। मैं मिट्टी की खुशबू ले रहा था, बड़ी पसंद आ रही थी मुझे, और कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो मिट्टी है कि कुछ और है। सब सुन लेता था मैं, मतलब मैं 7 साल की उम्र में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, और उस वक्त विराज भाई अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर ध्यान दे रहे थे, अपने पैशन पर ध्यान दे रहे थे। फिर अब तक कितने सारे शोज किए आपने, इतने सारे कहाँ कहाँ किए हैं नागपुर के अलावा? सर मैंने शोज तो काफ़ी सारे किए हैं, रायपुर, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ एंड नागपुर के भी आसपास, चंद्रपुर, ये भी किया है। बट द एनर्जी व्हाट ब्रिंग्स मी हेयर, और नागपुर में जो हम पहले गरबा करते थे काफ़ी टाइम तक के, और यहाँ महाराष्ट्र में रह के हमने जो गरबा यहाँ पे किया है, दैट इज़ अनमैचेबल, और यहाँ जैसी एनर्जी हम मैंने कहीं नहीं देखी है। क्योंकि मैंने भी आपको गरबा के वक्त परफॉर्म करते हुए देखा है, और आपके गानों पर कई बार मैंने भी बहुत बार गरबा खेला है, तो मुझे पता है कि क्या एनर्जी के साथ आप काम करते हो। सिंगिंग आपका एक प्रोफेशन बन चुका था, फिर उसके बाद आप धीरे धीरे जिमिंग की तरफ जाने लगे हैं, फिटनेस फ्रिक बन चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं ये पोजिशन कैसे आई आपकी लाइफ में? ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज था मेरे लाइफ का, बिकॉज मैं गाते गाते तो मेरा ध्यान था, पढ़ाई भी चालू थी, बट जंक फूड बहुत खाता था, और गुजराती घर का हूँ तो आपको तो पता होगा, हम ढोकला, फाफड़ा, ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे ही देखते देखते मैं 107 kgs का हो गया था। बाप रे, 107? यस। एंड अभी मैं जाना, अभी आपकी आपका वेट क्या है? मैं हमेशा 80s में रहता हूँ अभी। 107 से आपने 80 में अपने आप को ट्रांसफ़र किया? या कमाल है। या सो माई थॉट प्रोसेस वॉज कि मैं अगर मुझे लोग देख रहे हैं स्टेज पे देख रहे हैं, वो अपना टाइम निकाल के मुझे देख रहे हैं, और मैं वहाँ पे अगर प्रेजेंटेबल नहीं लग रहा हूँ, तो दैट इज़ एन इंसल्ट टू देम। सो मेरा यही था कि फॉर माय मेंटल पीस, और मैं जैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए फिटनेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। आपने एक इंटरनेशनल मॉडलिंग शो जीता है, मतलब फिनालिस्ट रह चुके हैं आप, राइट? और आपने उसके लिए भी बहुत मेहनत की है। सिंगिंग, जिमिंग, और अभी इंटरनेशनल मॉडलिंग, मतलब हर चीज़ आपने पूरे अपने कबर में भर लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एक के बाद एक टाइटल आपके पास आते जा रहे। किन किन लोगों के साथ आपने अभी तक काम किया हुआ है? जैसे मैंने सुना है कि आपने रोहित खंडेलवाल के साथ भी काम किया हुआ है। yes. जो कि मिस्टर वर्ल्ड रह चुके हैं। एग्जैक्टली, तो क्या क्या सीखा है आपने आज तक, और कितना मज़ा आया है?
सर सीखा तो बहुत है, जितने भी लोगों से अभी मिले हैं, प्रिंस भाई, प्रियांक शर्मा भाई एंड रोहित सर, जैसे इन लोगों का सिंप्लिसिटी है और जितने ग्राउंड डाउन टू अर्थ है, ये सिर्फ इंस्पायर करता है और फिर हमें खुद को भी चेक करना पड़ता है कि व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, और उनको मैच करने के लिए अगर उनके जैसा परफॉर्म करना है तो कितना स्ट्रेस वो लोग ऑलरेडी झेल रहे हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंस्पायरिंग. आज का यूथ है ना, सिंगिंग करना चाहता है, डांसिंग करना चाहता है, बहुत पैशनेट है और अपने अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहता है और अपने टैलेंट को एक प्रोफेशन बनाना चाहता है. एग्जैक्टली तो मैं जानना चाहता हूँ कि सिंगिंग के लिए कैसे शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि हमने ढिंचा पूजा के भी गाने सुने हुए और मैंने क्या भाई, आप लोगों ने भी सुने हुए, ठीक है ना, तो आप अपनी चॉइस देख लीजिए. तो ये ढिंचा पूजा जैसे लोग भी आजकल वायरल हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, इसमें और एक रियल सिंगिंग में क्या फर्क है? सर रियल सिंगिंग का सबसे बेसिक जो होता है क्लासिकल सिंगिंग, इवन अगर मैं रैप भी करता हूँ तो मेरा बेस है क्लासिकल सिंगिंग. एंड वहाँ से हमने ये सीखा था कि रैप भी हो सकता है सुर में, एंड खुद की जो पर्सनालिटी है, खुद की जो वॉइस है, ये अंडरस्टैंड करना और इसको कैसे तुम्हें प्रेजेंट करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि एक फेम के लिए अगर आप काम करेंगे तो दैट वोंट लास्ट फॉर एवर. आर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको जितना सीख रहे हैं और खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज वॉट मैटर्स इन दिस. तो आपने जब रैप की बात की तो क्यों ना एक रैप हो जाए, क्योंकि हमने आपका गाना सुना, बहुत ही अल्टीमेट था, बहुत मजेदार था, अब एक रैप भी हो जाए साथ में. डेफिनेटली आई विल गेट इन टू माई वीक इज ओह माय शेड्स के साथ में. गॉड. या सो दिस इज ऑल्सो अ रैप जो मैंने फेस किया था व्हेन आई वॉज वेरी लो. सो द रैप गोज लाइक, ओ मेरा प्यार जमाना ना हमको रोक के दिखाना, हाँ, क्योंकि क्या मैंने जो भी उसका मैं ही जिम्मेदार, जब लाइफ एक टाइम पे लगती बेकार बट आखिरी दम तक माने ना मैं हार, मेरे भाई मेरे यार मेरे प्यार मैंने जाना कभी फार, जो बोले बेकार मुझे होके बीमार, लेके अपने डैडी की बड़ी बड़ी कार, मैंने छोड़ना नहीं कोई कसर इस बार, रिमेम्बर द नेम विराज कानाबार. वो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनते जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो आपने गाया वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और जो अभी आपका ये रैप था ये आपने खुद ही लिखा है हाँ क्योंकि जी इसमें आपका नाम भी है. तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट था. तो ऐसा कब वक्त आया कि जब आपने लाइफ में बहुत लो फील किया हुआ है? लो फील किया था जैसे मेरा सिर्फ 4 या 5 दिन पहले और मुझे टाइफाइड हुआ था, और जैसे इंजरीज होती है, और उसके पहले मुझे शोल्डर इंजरी भी हुई थी, मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया था. व्हेन जिमिंग वाज द ओनली पार्ट ऑफ लाइफ कि ये यहाँ पे मुझे खुशी मिलती है, और उस टाइम पे मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया. सो कुछ डॉक्टर्स कह रहे थे कि यू वोंट एवर लिफ्ट अगेन, कभी मैं वर्कआउट फिर से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा. दैट वॉज अ वेरी लो पार्ट, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि हम फिर से वैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. ये उस फेज में मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे होना है, और माइंड ही मेरा मुझे लेके जाएगा, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले जैसा था मैं उससे बेटर होके ही रहूँगा, नो मैटर वॉट आई विल जस्ट ग्रो. और वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला, एंड उसके बाद इंजरीज की लिस्ट भी बढ़ते गई. मैंने आपको बताया जैसे टाइफॉइड भी हुआ जस्ट बिफोर कॉम्पिटिशन, बट एक चीज़ है कमिटमेंट, दैट हर एक आर्टिस्ट में एक कमिटमेंट होनी चाहिए टू फुलफिल. अगर कमिट किया है दैट यू विल बी परफॉर्मिंग, सो डेफिनेटली यू शुड गो एंड परफॉर्म नो मैटर वॉट यू फेस इन लाइफ, दैट इज़ अ आर्टिस्ट लाइफ. और आपने भी ये देखा होगा काफ़ी, आप हम भी काफ़ी मिले हैं इतने काफी मैंने सारे काफी शोज शौक है. वगैरह में. मैंने सुना कोविड के वक्त भी आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आपने कोविड भी बहुत बुरी तरह फेस किया है, और उम्मीद करते हैं कि कोविड दोबारा नागपुर शहर में कभी दोबारा, नागपुर शहर क्या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं दिखे, ना कहीं क्योंकि जो चीजें लोगों ने फेस किया है, सिर्फ बीमारी ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन, उसके बाद डिप्रेशन, एनजाइटी अटैक्स, इतनी एग्जैक्टली सारी चीजों से लोगों ने फेस किया है. बहुत टफ था, बहुत मुश्किल था इस बुरे दौर से बाहर निकलना, लेकिन हिंदुस्तान और पूरी दुनिया ने मिलकर जो कोविड से अपने आप को छुटकारा पाया, फिलहाल बहुत कम केसेस है, ना के बराबर है. उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं ऊपर वाले से कि कभी ये चीज़ें दोबारा किसी और इंसान को ना हो. जानना चाहेंगे कि एक सफ़र था, एक जर्नी थी जहाँ आपने इतना कुछ फेस किया है. आज का यूथ चाहता है कि वो मॉडलिंग में उतरे, फैशन शो करे, आपने मॉडलिंग किया हुआ है, तो उसके लिए क्या इतनी ज़्यादा बॉडी बनाना, एब्स होना, क्या इतना ज़रूरी होता है? मॉडलिंग के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपके पास में एब्स है या नहीं है. इवन इफ़ यू आर ओवर साइज, अगर आपका कुछ रीज़न है जब आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं, वो भी मैटर नहीं करता है. यहाँ पे आप जैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए. एक इनसिक्योरिटी जो अपने अंदर होती है कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. एंड आई विल ओनली टेल यूथ कि कुछ भी हो जाए शॉर्टकट्स में मत जाइए. एज वी डिस्कस्ड कि स्टेरॉइड्स वगैरह से राइट काफ़ी सारा हो रहा है,
लोग 17-18 साल के बच्चे कुछ भी ले ले रहे हैं, और इनके ट्रेनर्स दे आर प्रोवाइडिंग देम दी स्टफ्स, सो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू अ प्रॉपर ट्रेनर के पास जाइए। अगर आपको जिम करना है या मॉडलिंग में जाना है, उसके भी लिए भी आपको ट्रेन अच्छे से साइंटिफिक वे में ट्रेन करना चाहिए और नेचुरली ट्रेन करना चाहिए। दैट्स वॉट मैटर्स। आजकल के बच्चों को हमने देखा है 17-18 साल के होते हैं और उनकी अच्छी खासी बॉडी होती है, एब्स होते हैं, इंस्टाग्राम में फेसबुक में खुद को फ्लॉन्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके पीछे वो कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करे। और ये बात उनके पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी और ध्यान देनी पड़ेगी कि क्योंकि वो अभी तो फिलहाल अच्छी बॉडी बना लेते हैं स्टेरॉइड के जरिए या एनर्जी ड्रिंक जो लेते हैं, AMP ऐसे बहुत सारे नाम हमने सुने, बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो उसके बाद फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट दिखता है। आगे बढ़ते हैं और जानना चाहूँगा कि आप जो हमारे यूथ है, विदर्भ के यूथ है, नागपुर के यूथ है और इंडिया के जो यूथ है, उनसे क्या कहना चाहोगे जाते जाते, और क्या बताओगे सिंगिंग के लिए भी, फिटनेस के लिए भी और मॉडलिंग के लिए भी, तीनों के लिए? सिंगिंग के लिए और मॉडलिंग के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपकी खुद की पर्सनालिटी जो है वो आपको कॉन्फिडेंस लाना है, स्टेज फियर के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद में बिलीव रखना है और अपने आर्ट में बिलीव रखना है। शॉर्टकट्स कोई भी फील्ड में नहीं होते हैं, फिटनेस में भी नहीं होते हैं। अगर आप लेंगे उसका आपको साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं, और आप अकेले को नहीं, आपकी पूरी फैमिली को झेलने पड़ सकते हैं। सो हर एक चीज़ में नेचुरली रहिए, एंड जो प्रोसेस है धीरे धीरे जाइए। डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एंड यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट। अच्छा, जाने से पहले एक गाना, कोई भी आपका जो आने वाला हो एल्बम वगैरह, या वो सो तो ये विराज फिर से आ चुके हैं अपने गॉगल्स के साथ और आज वो एक बेहतरीन गाना गाने वाले हम सभी के लिए, और हम सबको अपने 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 आवाज से कहीं गुम कर देंगे। ये गाना काफी लाइक अ रोमांटिक सॉन्ग है जो रिसेंटली आने वाला है। आई विल बी शूटिंग दिस सॉन्ग। वाह। सो द सॉन्ग गोज लाइक, कुड़िया न लगदी वे तू सुपरस्टारनी, मैनू इंज लगदी वे तू रॉक स्टारनी, एक बार कर ले ख्याल तू, कदे वे न पूछे आवे हाल तू, एक बार तू भी मैनू जान दी भी नहीं, कॉल कॉल करके वे थकता वे दिल, बीन वाल बेबी अब तू मुझे आके मिल, बीन वाल बेबी व्हाई यू प्लेइंग सिली गेम्स, कह रहा मैं कह रहा है दिल भी मेरा कह रहा, ऐसे कब तक है तू ठहरा, होने वाला है सवेरा, मुझको ना तुम छेड़ो चाहे होने दो अंधेरा, मैं ना जाना जाना ना जब देखू उसका चेहरा। मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब आएगा भी ये एल्बम, क्योंकि भैया हम मीडिया पार्टनर दे रहे हैं NBC न्यूज़ ये गाने के लिए, प्लीज इसे डन कर दीजिए क्योंकि हम ये गाना सच में सुनना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट होगा, क्योंकि जिस तरह आपने गाया और आपका जिस तरह पैशन है, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है, अभी जस्ट आप यू आर जस्ट 23 यस राइट, और जिस तरह आप काम कर रहे हो बहुत ही बड़ा है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम आपको एक बड़े एल्बम के साथ, बड़ी लॉन्चिंग के साथ देखेंगे। और मेहमान यहां से तो विदा मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए जवाबों के साथ और कुछ नए चेहरों के साथ। टिल देन मान से देखते रहिए NBCN न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए।